गाइस हम लक्ष्मी नगर आए थे। ये है V3S मॉल, इसमें एनिमल मूवी देखने। खाली नहीं है, नॉट अवेलेबल, एनिमल नॉट अवेलेबल, कोई भी सीट खाली नहीं है। तो हमें जैसे आए थे ऐसे ही उल्टा जाना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट टुडे देखते हैं अभी, या तो 2-3 दिन बाद देखते हैं इसका खाली हो, सीटें खाली होंगी, क्योंकि अभी तो हाउसफुल ही चल रहा है सारी जगह ही। हमने कल भी ट्राई किया था नाइट में, कल भी हाउसफुल ही था। देखते हैं गाइस अब कब ये देखने को मिलेगी पूरी। गाइस अभी हम दूसरे सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे एक और है, उसमें ट्राई करते हैं, उसमें हमें टिकट मिल गई तो आज का दिन हमारा अच्छा चला जाएगा। वरना इतना घूमने के बाद भी, इतना सेक्रीफाइस करने के बाद अगर कुछ ना मिले तो लेट्स ट्राई, वहाँ देखते हैं मिलती है तो फिर हम आपको बताते हैं क्या अपडेट है। जब हम आ गए दूसरे दिन देखते हैं। गाइस एक गुड न्यूज़ है, हमें एनिमल मूवी की टिकट मिल गई है सोनीपत TDI मॉल में। अब हमें इतनी दूर जाना पड़ेगा एक मूवी देखने के लिए, हम भी पागल हो रहे हैं इस मूवी को देखने के लिए। इसमें है क्या, ऐसा क्या है इस मूवी में, चलो देखते हैं अब मॉल में। गाइस टाइम हो गया 5:30, दिल्ली में इतना जाम था, पहुँचते अभी भी हमें 10 मिनट लग जाएगी अभी मूवी हॉल में पहुँचने में। फिर दिखाते हैं क्या कर लूँगा वहाँ। गाइस जब हम यहाँ पहुँच गए, हमने कार को कर दिया पार्क और अब जाके टिकट्स, तो वैसे भी हमने ऑनलाइन बुक कर दिए, टिकट्स की तो कोई टेंशन है ही नहीं। और अब अंदर जाके दिखाते हैं आपको। तो भैया हम लोग पहुंच गए, भैया मूवी फाइनली टिकट मिल गई है, देखते हैं मूवी कैसी है, जैसी होगी आपको ये लगा बताएगा। ओके, मिलते हैं मूवी के बाद। पहले तो इंटरवल का बात करते हैं, फर्स्ट आपको ही बता दूंगा सही है गलत, ठीक है भाई। ओके ओके, वैसे ठीक है, क्राउड अच्छा है, पूरा पैक्ड है, देखो पूरा क्राउड फुल पैक है। एंट्री स्टार्ट हुई है और ऐसा लग रहा है कि मुझे लग नहीं लगता कि इसमें भी कोई सीट खाली होगी, तो लेट्स वॉच कैसी मूवी। इंटरवल हो गया और अभी तक की फिल्म जो है वो बहुत अच्छी है, मतलब एक्शन भरपूर है। हम तो ये सोच रहे हैं कि अगर फर्स्ट हाफ में इतना दिखा दिया है तो सेकंड हाफ में क्या दिखाएंगे। वी आर एक्सपेक्टेड टू मच हाई और देखते हैं कि वो एक्सपेक्टेशन पूरी होती है कि होती। नितिन कैसी लगी पिक्चर? एकदम मस्त है, एक नंबर मस्त है। मतलब रणबीर कपूर का ऐसा अवतार मैंने तो नहीं देखा टिल द टाइम, एक नंबर मूवी।
और अब खाने का हमने ले लिया है, हमने ले लिया है, अब देखते हैं और आगे का देखते हैं आप मूवी, फिर आपको बताते हैं क्या, फिर मूवी का रिव्यू देंगे पूरा पूरा। गाइस फाइनली अब हम घर पहुंच गए हैं, अब हम आपको मूवी का रिव्यू देते हैं। मुझे तो मूवी बहुत ही अच्छी लगी, एकदम बॉलीवुड से अलग ही थी, वो अलग ही लेवल पे थी। और अभी अब इनका रिव्यू देखते हैं। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, एटलीस्ट आप लोग वेट कर रहे हैं कि हमारा मूवी का रिव्यू कब आएगा। मैं आपको बताऊं मूवी अलग है, जो हाउसफुल चल रहे हैं ना वो डिज़र्व करती है मूवी। रणबीर कपूर का बहुत अच्छा रोल है और जो संदीप रेड्डी वांगा है उन्होंने जो एक्शन बनाया हैट्स ऑफ। तो तेरे को गन कैसी लगी? गन तो एकदम ही नेक्स्ट लेवल थी। आप मेड इन इंडिया आप जाओ मूवी एक मेड इन इंडिया की गन देख कर आओ। ओके गाइस मूवी बहुत अच्छी है, अपनी देखो अडल्ट मूवी है थोड़ी सी, तो मेक श्योर कि बच्चे ना जाए अडल्ट जाए, बट मैसेज बहुत अच्छा है। इट इज़ अ बॉन्ड बिटवीन फादर एंड सन, वाइफ एंड हस्बैंड फादर एंड सन। ओके सो विल कंटिन्यू विद दिस। ओके गाइस फिर मिलते हैं कल मिलते हैं। ओके सायोनारा।